आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए ब्लॉग में। सुप्रभात आप सभी को। और मैं भी ड्यूटी से आ गया हूँ 9 बजे। बच्चे तो 8:15 बजे भेज दिए थे उन लोग को, हमारे शिफ्ट पार्टनर थे उनके साथ में ही चला गया था। और सुबह सुबह की बारिश भी होने लगी थी और अभी फिर देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। बादल तो अभी भी है लेकिन बारिश बंद है। तो मैं भी चाय पानी पी लूँ, मैंने तो भी पूरा फेंक के आ गई है, डब्बा वबा धोरा के रख दिए सूखने के लिए। गमले में मिर्ची ना जाने कब फूलेगा, इतना बड़ा पौधा हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ इसमें हो रही थी तो पेड़ टूट जाता, तो पत्ते को हटा दिए हैं। अभी तक इसमें कहीं भी फूल नहीं दिख रहा है। चलिए क्या कर सकते हैं, जब फलना होगा फलेगा, नहीं तो फिर अब सूखने का भी टाइम आ रहा है इसका पाला की वजह से। और पूरा कमरे से लेकर बाहर तक मोर्चा भी लगा दिया, नहीं तो दोबारा खरीद चुकी पानी रह जाता है फिर से दोबारा। और नहाने के लिए पानी मेरे जो नहाना भी है, चलिए मेरे लिए खाना बन गया है, खाना खा लो तो फटाफट मुझे आराम करना, स्वस्थ फिर बच्चों को लाने जाना होता है। तो आज का खाना हमारा है दाल और रोटी। और बच्चों को लाने का समय हो गया है तो मैं भी अब चल दिया हूँ। और बादल तो यही है, ये रेनकोट ले लिए साथ में, अगर बारिश हो तो फिर सही रहेगा ना, तो मौसम तो ऐसे ही ठंडा है। चलिए चलते हैं जल्दी से, बाइक निकाल लेते हैं उसके बाद जल्दी चले जाएंगे। और बच्चों को लाने के लिए चल दिए हैं, मेन रोड पर तो पहुंच गए, चूँकि नीचे रास्ता ख़राब है थोड़ा संभाल के आना पड़ता है ऊपर तक। चलिए अब चलते हैं आगे फिर। और मैं बच्चों के लिए पहुंच गया है स्कूल के पास, बाइक भी लगा दी साइड में, वेट कर रहा हूँ, अभी टाइम है 15-20 मिनट। फिर से पूरा मुझे आगे लेके चल रहे हैं, गाड़ी पास आ गए, पूरा मिट्टी मिट्टी लगाया, गिरा क्या? नहीं नहीं खेला था। और बच्चों को लेके आ गए, नेट 4:30 बजे पहुँच गए हैं, 4 बजे छुट्टी होती है, फिर 5-7 मिनट लोग ऊपर में आने में लगता है रोड तक, और उसका फिर बाइक से आने में 15 मिनट लग ही जाता है। चलिए सही से आ गए बच्चों को लेके, बच्चे चले गए आगे। अभी जाके देख रहे हैं मौसम भी साफ कुछ है, धूप है सामने के पहाड़ पे थोड़ी सी दिख रही। चलिए मैं भी कपड़े चेंज करके चाय पानी पीऊँगा, फिर शाम को तो इसे भी ड्यूटी जानी होती है, बच्चे ड्रेस चेंज करके अपना पढ़ाई करेंगे नाश्ता करने के बाद। रात के खाने के लिए दाल बन चुकी है, अभी हमारे लिए चाय बन रही है, और इधर अभी बॉयल करके रखा गया है सब्जी बनने के लिए। और अभी शाम हो गई है, अभी वीडियो क्वालिटी भी नहीं आ रही होगी क्योंकि 1 घंटा 35 मिनट लाइट कटे हुए हो गया था, तो अभी जस्ट यहाँ लगाना है आइसोलेटर, उसके बाद फिर लाइट आएगी तब प्लांट चलेगी। आइसोलेटर काटे हुए थे तो अभी लगाना है यहाँ अंदर। घुसाइए अंदर, वैसे मत लगाइए, अंदर घुसाया करिए अंदर उसमें, ना ना ये सबसे सुरक्षा होता है, इसमें घुसाइए इसको, हाथ ना हाथ ना ये घुसाइए, एकदम सेफ्टी भी रहेगा। हाँ पूरा ध्यान दीजिए एकदम पूरा, और ऊपर पहले वहाँ तक चले जाइए, इधर आधे आ जाइए आधे में। यहाँ आ जाइए यहाँ, उसके बाद फुल टाइट खोलिए खोलिए खोलिए। हाँ अब वहीं रहेगा ना, अपने साइड में वहीं पर रहेगा, मारे मारे जोर से लगा रहा है। हाँ हाँ ये फुल टाइट हो जाती है। और अभी जस्ट लाइट आ गई, 6:54 पे आई है, 1 घंटा लगभग 50 मिनट से ऊपर ही लाइट कटी थी,
काम हो रहा होगा सब स्टेशन, वहीं से लाइट शट डाउन लिया गया था। और इधर क्या चल रहा है, चावल और खाना तो बन गया है, केवल चार है, बस हो जाएगा अभी, फिर खाना खा के चले जाएंगे ड्यूटी। तो दोनों भाई शाम से ही लगा हुआ था, लाइट तो थी नहीं, फिर भी अंधेरा तक लगा हुआ था बनाने के लिए, अब लाइट आ गई। फिर ये दोनों अपना होमवर्क कर रहा है कम्प्लीट। खाना निकाल रही हूँ क्योंकि ये तो खाना खा लेंगे, इनका टाइम हो गया है ड्यूटी भी जाने का, और बच्चे और मैं तो लेट से खाऊंगी खाना। और चलिए आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, सुबह।